हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है जी सबके। और भाई, जैसे अभी डॉग वर्ल्ड तो गर्मियों के साथ जूझ रहा है और एक आजकल टिक्स वगैरह की बड़ी बीमारियां चल रही हैं जी। तो भाई, मैंने एक वीडियो डाली थी पहले एक फंगल इन्फेक्शन के लिए, जो मेरी फीमेल में फेस पे जो फंगल इन्फेक्शन था उसके लिए मैंने यूज़ किया था ब्रोवेक्टो। तो एक फ़ीमेल की मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो बेल आइकन में ऊपर शो हो रही है जी, वो आप वीडियो देख सकते हो। और आज मैं उसका रिजल्ट शो करने वाला हूँ। ये जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ भाई, मैं प्रैक्टिकल ही कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है कि किसी से बताया, किसी ने वो कर डाल दी वीडियो। तो वो फीमेल आपने पहले भी देखी है और बेल आइकन में जैसे मैंने बताया, वो आप वीडियो देख सकते हो। और वही फीमेल आज आपके सामने है जी, आप इसके फेस में इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, उस वीडियो से मैच कर सकते हो। दिखाना भाई, थोड़ा पास आके दिखा सको। ये देखिए, इसके जैसे पहले बिल्कुल भी बाल यहाँ से सारे रिमूव हो चुके थे और ये अब दोबारा आने शुरू हो चुके हैं जी। और जो एलर्जी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस साइड भी थी इसको यहाँ पे, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ब्रोवेक्टो, मान लो जैसे मैंने बताया अभी टिक्स का सीज़न है, तो ब्रोवेक्टो यूज़ होती है टिक्स के लिए। तो वो ना तो टिक्स आने देगी आपके डॉग के अंदर कम से कम 2 से 3 महीने तक, और टिक्स ना आए तो टिक फीवर, जो आजकल सबसे जानलेवा बीमारी है डॉग की, तो वो भी नहीं आएगी। तो भाई, अपने डॉग्स का ध्यान रखो, गर्मी आ चुकी हैं, उनके खाने का, क्योंकि डॉग गर्मियों में खाना बड़ा कम खाते हैं। और बाकी तो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो जी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।